शेखर जी नमस्कार, सिद्धू जी नमस्कार। नमस्कार। अर्ज किया है, बरसात हुई तो हाथ से छाता चला गया। वाह, बरसात हुई तो हाथ से छाता चला गया, शादी हुई तो बैंक से खाता चला गया। सबका वही हाल है गुरु, शादी मतलब बर्बादी। प्यार का इजहार कर न सका अपनी जुबा से, जिसे चाहा उसी से राखी बंधवाता चला गया। और मेरी सबसे बड़ी ट्रेजेडी देखिए, शेखर जी को परिजात भाग गई, सिद्धू जी को नागरानी। शेखर जी को परिजात भाग गई, सिद्धू जी को नागरानी, और मैं बस सुरिंदर के साथ निभाता चला गया। और हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बहुत खूब। और देखिए, हम सब बंबई में रहते हैं और बंबई में पैसे कमाने के कई तरीके हैं। आजकल तो एक नया कंसेप्ट आया है, मेल मार्केट, बिजनेस बाय मेल। पिछले दिनों मेरे घर पर एक लेटर आया, यदि आप तुरंत फुरत पैसा कमाना चाहते हैं तो एक जवाबी लिफाफा और 500 रुपए का एक चेक इस पते पर भेज दीजिए। मैंने चेक भिजवाया, अगले दिन जवाब आया, जो काम हम कर रहे हैं वही आप भी शुरू कर दीजिए। अब पिछले दिनों मैं बांद्रा कोर्ट के बाहर से गुजर रहा था, मैंने देखा मेरा एक दोस्त कोर्ट की सीढ़ियों पर बैठा था। मैंने उससे पूछा, यहाँ क्या कर रहा है? बोला, यार मैं आई विटनेस हूँ, चश्मदीद गवाह। मैंने कहा, कौन से केस में? बोला, वो तो मेरा वकील आकर बताएगा। अब एक वकील साहब अपने बेटे को टिप्स दे रहे थे, बोले, देखो बेटा, 6 महीने पहले मेरे पास एक लड़की का केस आया, उसने आरोप लगाया कि एक लड़के ने उसका दिल तोड़ दिया, मैंने उसे 5 लाख रुपए मुआवजे के दिलवाए। 3 महीने पहले मेरे पास एक और लड़की का केस आया, उसने आरोप लगाया कि एक लड़के ने उसे बाइक से गिरा दिया जिससे उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ गया, मैंने उसे 500 रुपए मुआवजे के दिलवाए। लड़का बोला, इसका क्या मतलब हुआ पिताजी? पिताजी बोले, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि लड़की का दिल मत तोड़ो, उसकी टांग तोड़ो, सस्ती पड़ेगी। अच्छा सिद्धू जी, शेखर जी, हमारे देश में लोगों को आमतौर पर एक शिकायत रहती है कि हमारे देश के नेता कोई ठोस काम नहीं करते। लोगों को राशन चाहिए मगर ये भाषण देते हैं, लेकिन इनके भाषण का भी असर होता है। अब एक नेताजी शराब की बुराइयों पर भाषण दे रहे थे, दिन ब दिन अमीर कौन होता जा रहा है? बार का मालिक। इस शहर में सबसे महंगी कार किसके पास है? बार के मालिक के पास। इस शहर में सबसे बड़ा बंगला किसका है? बार के मालिक का। सबसे ज्यादा जेवर किसकी बीवी पहनती है? बार के मालिक की। और उसके पास इन सबके लिए पैसा कहाँ से आया? आप लोगों की जेब से मेरे भाइयों, आप लोगों की जेब से। लोग बड़े प्रभावित हुए। 6 महीने बाद 8-10 लोग गए उनके पास, हाथ जोड़कर बोले, आपके उस दिन के भाषण से हमें बड़ा फायदा हुआ। नेताजी बोले, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आपने मेरे भाषण से प्रभावित होकर शराब पीना छोड़ दिया। वो बोले, अजी शराब पीना किसने छोड़ा है, हमने तो बार का धंधा शुरू कर दिया। शेखर जी, हाँ जी, सुना कि आपको सोना बहुत पसंद है। हाँ बहुत। चलिए अच्छी बात, क्योंकि सोना इनको इसलिए पसंद है, इतना सोए हैं तभी इनको इतने सारे ख्वाब आए हैं कि एक एल्बम निकाल डाला इन्होंने। एल्बम आया, पूरे देश में एल्बम की धूम हुई, बहुत लोगों को अच्छा लगा, लेकिन जिस दिन शेखर जी एल्बम आपका रिलीज हुआ, सिद्धू जी कुछ नाराज थे, इनका फोन आया मेरे पास। मैं बोला, क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? बोले, कुछ नहीं, 3 साल से जोड़ी मेरे साथ बनाई, जब एल्बम की बारी आई तो मॉडल कहीं बाहर से मंगवा लिया यार। सही है, सही है। मैंने बहुत सोचा, हर एंगल से सोचा, फिर लगा पाजी शायद बिकिनी में उतने अच्छे नहीं लगे। अच्छा, शेखर जी ने अपने एल्बम में विदेश से, पता नहीं कौन से देश से मॉडल मंगाई है। ब्राजील से, ब्राजीलियन। ब्राजील से, जबकि हिंदुस्तान में इतनी लड़कियां हैं सिद्धू जी, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां, लेकिन कोई नहीं इनके सामने काम करने आई, क्योंकि सारी लड़कियां इनके बारे में जानती हैं। पोल खुल गया है। अब जब से आपका एल्बम आया तो सिद्धू जी को भी अंदर से कुछ लग रहा है, मैं भी कोई एल्बम बम बम निकालूं कुछ ऐसा, मांगा करूं कुछ, एल्बम निकालूं। मैंने तो सोच भी लिया सिद्धू जी के एल्बम आएगा तो कैसा होगा। सिद्धू जी किसी बीच के किनारे तानपुरा लिए खड़े हुए। अब आप सोचोगे गिटार क्यों नहीं, गिटार तो इनके आगे ऐसा लगेगा जैसे सब्जी बनाने वाली कलछिन लिए हुए, बीच में तानपुरा लिए हुए गाना गा रहे हैं। ओ चक दे पट्टे, ओ नप दे किल्ली, ओ सुबह जलंधर तान दिल्ली। अजी हिंदुस्तान में कोई भी स्टेट हो, कोई भी शहर हो, कोई भी जगह हो, जितनी पत्नियां हैं सबके जुमले फिक्स होते हैं, मैं तो फंस गई उनके साथ। ये तो मेरी सुनते ही नहीं है, क्या बताऊं, कहां चली जाऊं मैं? जिस दिन मर जाऊंगी ना उस दिन इनको पता चलेगा, जिस पत्नी को देखो वही जुमले इस्तेमाल करती है। और पत्नियों की खास बात बताऊं,
मेरी वाइफ तो बड़ी खतरनाक है। एक दिन शाम को घर पहुंचा तो रोना शुरू कर दिया। तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है। क्या हुआ क्या? तुम्हें तो मेरी परवाह नहीं, इतनी लेट आ रहे हो। मतलब हुआ क्या? हुआ क्या? वो सामने खिड़की में रहता ना पड़ोसी, मुझे रोज घूर घूर के देखता है। तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है। मैं बोला अभी जाके देखता। अब क्या जाके देखोगे? कल तो वो घर पे भी आ गया था, चाय नाश्ता करके गया। तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है। हमने कहा अच्छा अभी जाके देख दो। अब जाके क्या देखोगी? वो तो अभी घर पे आया था, पूरा डिनर विनर खा के गया, चार चार चपड़ी पापड़ वगैरह सब कुछ। तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है। मैं बोला अभी जाके देख। अब क्या जाके देखोगे? वो गांव गया है 3 दिन के लिए। तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है। अच्छा औरतें जब पार्टियों में जाती है तो उनकी नजर दो ही चीजों में होती है पाजी, मैंने देखा। एक तो अपने मेकअप पे। पानी पानी कैसे? हाउ स्टूपिड देख रहा है मुझे। हाउ स्टूपिड नहीं देख रहा है मुझे। और जो दूसरी नजर होती है वो अपने पति पर होती है। एक 50 साल की औरत को मैंने देखा, अपने पति को ढूंढ रही है, कहीं पार्टी में कहीं इधर उधर लगा था, इशारे से बुलाया, कम हियर टॉमी 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 कम हियर। वो आया, हाँ हाँ बोलो क्या बात है? बोली बात कुछ नहीं है, सिर्फ मैं अपनी उंगली का पावर चेक कर रही थी, अभी भी उतना पावर है कि नहीं है। अच्छा ये बताओ तुम वहाँ पे वो लड़की के साथ क्या कर रहे थे? बोले कुछ नहीं, बस मैं भी अपना पावर ही चेक कर रहा था। ये सुरेंद्र भी बड़ा जिद्दी आदमी मैंने देखा, जिस चीज के पीछे पड़ जाए तो पड़ ही जाता है। एक दिन रास्ते से जा रहा था, कोई तोते की बोली लग रही थी, 5,000 5,000 5,000, ये खड़ा हो गया 10,000। किसी ने बोला 15,000 20,000 25,000 30,000 40,000 50,000 60,000 1,00,000 में तोता खरीद लिया इसने। फिर तोता खरीदने वाले से पूछा कि ये बताओ 1,00,000 का तोता लेके जा रहा हूँ, इसकी खासियत क्या है? बोला दूसरी बोली ये खुद ही लगा रहा था ये। अच्छा हिंदुस्तान में हर एक शख्स, हर एक इंसान, चाहे मैं हूँ आप हैं, हर एक इंसान इज्जत के लिए मरता है, इज्जत के लिए काम करता है, इज्जत के लिए भटकता है। और कमाल की बात है हिंदुस्तान में औरतों को, लड़कियों को, बहू बेटियों को इज्जत कहा जाता है। मैं आपको बता दूं मेरे घर में आजकल इज्जत ही नहीं है, मैके गई हुई है। यहाँ पर देखिए लोग इज्जत के साथ बैठे हुए बेचारे। अच्छा कुछ लोगों के मैंने देखे यहाँ पर सरनेम बड़े अजीब से होते हैं, कालरा, बुखारी, समझ में नहीं आता सरनेम है कि बीमारी के नेम है। मैंने सोचा कि अगर ऐसे बीमारियों के नेम लोग रखना शुरू करते तो लोगों की बातचीत कैसी होगी। गए पार्टी में, लोग आपस में मिल रहे हैं, और कैसे हो भाई? डायबिटीज? आई एम फाइन। बोले साथ में कौन है? ये मेरी मिसेज हैं, मिसेस ब्रेन हेमरेज। ये मेरी सास है, बुढ़िया खूसट काली खांसी। ये मेरा ससुर है, नासूर। ये मेरी सालियां हैं, पायरिया डायरिया और मलेरिया। ये है मिस्टर सिद्धू। मैं बोला सिद्धू ये कौन सी बीमारी है भाई? ये कौन सी बीमारी है? मैंने बोला आप एक बार हेलो करके देखिए, बीमारी खुद ही पता चलेगी आपको।